अस्सलाम वालेकुम ग्रिप एंड रुकान एपिसोड और आपका भाई उमर इस वक्त मौजूद है मदीना शरीफ में और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ट्रैवल करूंगा मक्का के लिए और मक्का में चल के हम अफ्तारी करेंगे किसी रोड साइड पे या अगर पॉसिबल हुआ तो हरम, क्योंकि इस वक्त 1 बज चुका है और हमें पहुंचते पहुंचते मगरिब हो जाएगी, लेकिन यह है कि आधा पौना घंटा हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। अफ्तारी से पहले का जो आधा घंटा एक घंटा बड़ा पुर रौनक होता है यहाँ का, वो मैंने देखा भी नहीं है, तो वो चल के देखते हैं, रास्ता देखते हैं मदीना से मक्का का। और आज मैंने कुछ शॉपिंग करनी है तो फिर कोशिश करते हैं अफ्तार हमें मिल जाए हरम शरीफ में, जो कि मुश्किल है, रमजान में बहुत ज्यादा रश होता है जिसकी वजह से हम वहां नहीं जा सकेंगे, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं उस सराउंडिंग एरिया में ही रहूं। और आज का जो एपिसोड है वो हम मदीना से स्टार्ट करें, मेरे साथ रहिएगा। आज के प्लान में मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा का सफ़र और मस्जिद हरम में इफ्तारी शामिल है, और अगर हम लोग टाइमली पहुंच गए तो चल के थोड़ी शॉपिंग भी करेंगे। रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में उमरा करने के लिए आपको नुस्ख ऐप से टाइम लेना ज़रूरी होता है, और मुझे उमरा करने के लिए कल का वक्त मिला है। मदीना शहर जैसे ही क्रॉस किया तो बारिश मिली जो 1.5 घंटा होती रही, और वादी अल-फराह के करीब पहुंचे तो बारिश रुकी, और जैसे ही मक्का मुकरमा के करीब पहुंचे तो मौसम बिल्कुल ठीक हो गया और सूरज निकल आया। जी हम लोग पहुंचे हैं कोई 1 घंटा पहले, तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ या तो हरम शरीफ जाया जाए या फिर मस्जिद जीन वाली साइड पे जाया जाए, तो देखते हैं चल के क्या बनता है हमारे साथ। ये मेरा होटल है होटल मिलेनियम, बड़ा अच्छा है, 5 स्टार है, सर्विसेज फिट है। आप देख रहे हैं कि मट्टी है और क्लॉक टावर धुंधला धुंधला हुआ है। मैं इब्राहिम खलील रोड पे खड़ा हुआ हूँ। ये बस स्टॉप है इब्राहिम खलील रोड का, और यहाँ पे जितनी भी फिलहाल जो मक्का बस सर्विस चल रही है वो सारी फ्री है। मस्जिद जिन जाने के मैंने उनसे पूछे हैं तो 50 रियाल मुझे बताए हैं भाई ने, तो लिहाजा मैंने टैक्सी का प्लान ही कैंसिल कर दिया। अभी वापस जा रहा हूँ मैं बस पे, मक्का बस ही बेस्ट है भाई। एक टैक्सी वाला 20 रियाल में मान गया, तो फौरन इसे ओके करके मैं पहुँच गया मस्जिद जिन, जहाँ से कुछ शॉपिंग करके पैदल ही मस्जिद हरम अफ्तारी के लिए चला जाऊँगा। एक ये टेप चाहिए, ये वाली, और असली गुड ओके फिल इट। Pakistan zindabad, yes, yeah, this one Yemen. Yemen, oh, Yemeni and Pakistani, yeah. Yemeni Pakistani friends. Friends, yes. Yes, very good friends. मैंने इनसे पैसे दो चीजें ली हैं, एक ये लिया टेप और एक ये लिया सुरमा। 5-5 रियाल ना? 5-5 डिस्काउंट, पाकिस्तानी को डिस्काउंट मिल गई है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी अब्बा जी के लिए मैंने इधर तो ले लिए हैं, और बाकी जो बॉडी स्प्रे फोन कर रहे हैं वो सारे चाइना के 2 नंबर है, और ही मैं रह रहा हूँ। अभी आगे चलते हैं मस्जिद जिनके पास वॉक करते हुए, वहाँ पे चल के देखते हैं, अगर वहाँ पे इफ्तारी होती है तो हो सकता है वहीं पे इफ्तारी कर लूँ। अच्छा अभी मैं गजा में फिर रहा हूँ, गजा ये जो सारा इलाका है सारा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों को काट काट के घर बनाए हुए हैं, और ये पहले बिल्कुल ही गैराबाद होगा। जैसे मक्का ने एक्सपेंशन की है तो ये ज़्यादातर सड़कों, ज़्यादातर जो घर है वो पहाड़ों पर। जन्नतुल माला कब्रिस्तान है जिसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और वो सामने आप जो रश देख रहे हैं ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पे है, और इस जन्नतुल माला के ऊपर भी मैं जल्द एक नया व्लॉग, एक मुकम्मल इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगा।
ये आप देख लें। और ये जो शारे हजून है, इस कब्रिस्तान के सेंटर में से गुजरती है। दूसरी तरफ भी जन्नतुल माला है और इस तरफ भी, और काफी लोगों का रश लगा हुआ है और एक जनाजा भी आया हुआ है यहाँ पे। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये इफ्तार का सामान दे रही है और ये लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे। कुछ देर में ये खुलेगी और यहाँ पे लोग इफ्तारी का सामान लेंगे। ये वाली गाड़ी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे चांद रात है, जिस तरह से लोग शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो बस है 4 नंबर जो जाती है गारे हीरा की तरफ से आती है, तो इसके ऊपर इतना रश लगा हुआ है। हालांकि एक स्टॉप रह गया, ये सेकंड लास्ट स्टॉप है मस्जिद जिन। लोगों ने इफ्तारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये जन्नतुल माला कब्रिस्तान की इफ्तारी है। अभी यहाँ पे कालीन भी छाई जा रही है, घंटा पड़ा हुआ है शायद, इसलिए अभी यहाँ पे रश नहीं है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं जो जन्नतुल माला से निकलेंगे तो फिर वो इफ्तारी इधर ही करेंगे। अजियाद गेट की तरफ से सिर्फ उमरा करने वालों को हरम में जाने की इजाज़त थी। मैं दोबारा 20 रियाल की टैक्सी कराकर मिसफला पहुँचा। मुझे टैक्सी 20 रियाल की मिल गई थी, इसलिए फिर मैं होटल से मस्जिद जिन 20 रियाल में पहुंच गया था। 5 मिनट ही लगे हैं। अभी मेरा टाइम है तो अभी हम मिसफला चलते हैं, तो उधर से ऊपर साइड कवर करते हैं इफ्तारी के वक्त वहाँ पे क्या रेल फेल होती है। और इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो रोजा है वो हरम में ही इफ्तार हो जाए। अभी मैं गजा में हूँ, गजा से वॉक करता हुआ मैं जाऊँगा मरवा वाली साइड पर। ये गजा का जो इलाका है ये मरवा से ही आता है और यहाँ से फिर हम जाएँगे मिसफला। नहीं जी, मैं हिजरा रोड पर आ गया हूँ जो पैरेलल चलती है इब्राहिम खलील रोड के, और आगे जाके कबूतर चौक में इकट्ठी होती हैं। अब अल्लाह करे इधर से एंट्री मिल जाए हरम की, क्योंकि अजियाद वाली साइड से, गजा वाली साइड से तो नहीं मिल सकी। अब यहाँ से चांस लेते हैं। अगर आपको पाकिस्तानी होटल और पाकिस्तानी खाने और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, और मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानियों की वो इस रोड पर होती है। जो लोग पहले आ चुके हैं उनको इस सड़क का बड़ी अच्छी तरह से पता है। और पहली दफ़ा जब मैं आया था, मैं भी इधर ही आया था, ये देखें पाकिस्तानी पंजाब होटल। और ये सड़क आगे जाके इब्राहिम खलील रोड से मिल जाती है कबूतर चौक पे। तो यहाँ पे ये दुकानें भी हैं, हर चीज़ 2 रियाल, 3 रियाल वाली शॉप भी है, 5 रियाल वाली भी है, ये 2 रियाल वाली है। यहाँ पे फूलों की काफ़ी वैरायटी है, चॉकलेट्स वाली, और ये मैंने ली है बेगम की फरमाइश पे, ये तिलों वाली और कोपरे वाली, और सारी डिफरेंट फूलें इसमें होती हैं। साथ चेक करें वैरायटी यहाँ पर। इसके अलावा ये पैकेट्स में भी पड़ी हुई है। अच्छा, पहले जहाँ पे हिजरा रोड और ये इब्राहिम खलील रोड मिलते थे, ये एक स्क्वायर था, ये देखिए अब इसको बंद कर दिया है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे भी कोई 50 मंजिला 70 मंजिला बिल्डिंग बन जानी है। ये सामने भी एक बहुत बड़ी इफ्तारी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ज़्यादातर यहाँ पे पुलिस के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सिक्योरिटी के लोगों के लिए होगी। इफ्तारियाँ गाड़ियाँ आ गई हुई हैं और पुलिस ही बिछा रही है। हो सकता है इस एरिया में जितने भी पुलिस के और सिक्योरिटी के लोग हैं ये उनकी इफ्तारी हो, देखते हैं चल के। ये यहाँ से बिरयानी मिल रही है और लाइन लाइन कोई नहीं लगी। नहीं जी, ये आम लोगों की है अफ्तारी, और ये गाड़ी है जो लेके आई है। और मेरा ख्याल है मुझे भी इधर ही बैठना पड़ेगा क्योंकि हरम में एंट्री नहीं मिल रही।
खाली है। एक लोकल ने बताया कि मिसवाला वाली साइट से आप हरम के बाहर वाले सहन में बैठकर इफ्तारी कर सकते हैं। बाहर वाले सहन में सेगमेंट बने हुए हैं जिनको वन बाय वन भरा जा रहा है। लेडीज की इफ्तारी के लिए सेग्रीगेशन की हुई है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जगह मिल गई है हरम के सहन में बाहर वाले, और अफ्तारी जो है वो इंशाल्लाह हम यहीं पे करेंगे। और मुझे तो लग रहा था कि मुश्किल है, मैं पीछे ओमेगा टावर जाने लग रहा था। हर एरिया में इफ्तार का सामान डिस्ट्रीब्यूट करने और समेटने के लिए रजाकारों की एक एक्टिव टीम मौजूद होती है। सऊदी अरब में मेरा अल्ताजिश फेवरेट है, अलबेक लोग खाते हैं, लेकिन जो अल्ताजिश के पास वैरायटी है और जो अल्ताजिश का मेन्यू है ना वो अलबेक के पास नहीं है। तो मैं इसकी लाइन में लगा हुआ हूँ, लाइन में लग के ऑर्डर देते हैं, और जब आपका ऑर्डर हो जाए तो फिर आपने वेट करना होता है, वो भी आपको लाइन में मिलता है। तो मैंने दिया है, ये दिया है, मैं पढ़ लो, कबाब मील, गेमर बॉक्स और बारबेक्यू और दजाज रोल। इनका कब्सा बड़ा अच्छा होता है, कब्सा मैंने खा लिया, और ये लाइन लगी हुई है ऑर्डर लेने वालों की। सऊदी अरब में मेरा अल्ताजिश फेवरेट है, अलबेक लोग खाते हैं, लेकिन जो अल्ताजिश के पास वैरायटी है और जो अल्ताजिश का मेन्यू है ना वो अलबेक के पास नहीं है। तो मैं इसकी लाइन में लगा हुआ हूँ, लाइन में लग के ऑर्डर देते हैं, और जब आपका ऑर्डर हो जाए तो फिर आपने वेट करना होता है, वो भी आपको लाइन में मिलता है। तो मैंने दिया है, ये दिया है, मैं पढ़ लो, कबाब मील, गेमर बॉक्स और बारबेक्यू और दजाज रोल। इनका कब्सा बड़ा अच्छा होता है, कब्सा मैंने खा लिया, और ये लाइन लगी हुई है ऑर्डर लेने वालों की। हमारा गेमर बॉक्स, मैंने की गेम पा रहा है साढ़े नाल कर लो, कैचअप मैं देखता हूँ।
ये एक बर्गर लिया है, साथ में इन्होंने दिए हैं 3-4 चिकन पीस के नगेट्स से नहीं हैं उन जी ने, और तीसरी आइटम है जी ये, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, इसको भी खोल के चेक कर लेते हैं। ये तो जाज रोल है, चिकन के पीस हैं, बीच में चीज़ है मेल्ट और थोड़ी सी चिप्स डाली हुई है। ये थोड़ा क्रिस इनका जो है ना खाना वो थोड़ा स्पाइसी होता है तो हमें चल जाता है। ये है जी हमारा कबाब, दजाज कबाब, बेसिकली पॉकेट शवारमा यू कैन से, एक सॉस लगी हुई है कबाब के साथ, थोड़ा सा पिकल है, और साथ में है जी ये है जी गेमर बर्गर। देसी खाना खाना है तो आपको कबूतर चौक में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, हम लोग मेगा टावर से खाना खा रहे हैं क्योंकि अभी आधे पौने घंटे बाद इशा की नमाज हो रही है। इस सीरीज़ के अगले हिस्से के वीलॉग्स बड़ी ईद के मौका पर इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है ट्रैवल सीज़न। और अगर आप मस्जिद नबवी की इफ्तारी देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर देखना चाहते हैं मस्जिद कुबा की इफ्तारी तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप एंड ट्रिप मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।